आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, यह है न्यूज टाइम। एमपी के सीएम मोहन यादव पहुंचे कवर्धा, सीएम साई के साथ किया प्रचार। गृह मंत्री ने कहा, फोड़ने वाला चाहिए या जोड़ने वाला जनता तय करे। दुर्ग में मना बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस, सांसद विजय बघेल ने किया अटल जी को नमन। कार्यकर्ताओं ने लगाया आपकी बार 400 पार का नारा। चुनाव से पहले मुंगेली में कांग्रेस को लगा झटका, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने भेजा दीपक बैज को इस्तीफा। जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन। एमसीबी में स्वेच्छानुदान राशि बांटने पर विवाद, विधायक रेणुका सिंह भी आरोपों के घेरे में आई। विधानसभा चुनाव में गुलाब कमरों के खिलाफ बीजेपी ने बांटा था पर्चा। दंतेवाड़ा में ढेर हुआ एक हार्डकोर नक्सली, सर्चिंग के दौरान जवानों को मिली सफलता। बीजापुर में 2 अप्रैल को मारे गए थे 13 नक्सली। धमतरी में स्कूली बच्चों से भरी जीप को डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में एक छात्र की मौत, 8 बच्चे हुए घायल। परीक्षा देकर लौट रहे थे सभी स्टूडेंट। बालोद के गुंडरदेही में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा विवाद, विधायक कुंवर सिंह ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। बिलासपुर मल्टीलेवल पार्किंग का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सुरक्षा के इंतजामों की मांगी कई जानकारी। शहर में 2 जगहों पर बन रहा पार्किंग प्लेस। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला, 100% मतदान का रखा गया लक्ष्य। जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। भरतपुर का सिद्ध बाबा धाम बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, रामनवमी पर लगेगा यहां भक्तों का मेला, भक्तों की हर मुराद यहां होती है पूरी। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।